too many people the term overpopulation refers to a situation in which the earth's resources cannot be replenished each year to meet the demands of the world's population because according to the experts this has been the case every year since 1970 with each year getting increasingly destructive सो वी नीड टू अंडरस्टेंड वट कॉजिंग ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर कंजम्पशन एज वेल एज हाउ दीज ट्रेंड्स आर अफेक्टिंग एवरी थिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू सोशियोपोलिटिकल टर्मोइल अगर हम आसान तरीके से इस बात को समझना चाहें कि जो ओवर पॉपुलेशन है वाईट इज क्रिएटिंग चैलेंजेस हम ओवर पॉपुलेशन के चैलेंजेस किसी स्पेसिफिक किसी एरिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि अगर हम ये देखें कि अर्थ के लिए भी जो पॉपुलेशन का नंबर जो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जा रहा है ये बहुत से सवाल को खड़ा कर रहा है ख़ास तौर पर इससे जो इन्वामेंटल जो चैलेंजेस क्रिएट हो रही हैं और फिर उसके साथ साथ जो सोशो पोलिटिकल टर्मोइल पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है क्योंकि हर हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है कि वो अपने लोगों को कैसे मतमिन करें क्योंकि मतम होने के लिए लोगों को अपनी रोजमर्रा की ज़रूरियात से लेकर अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स हर एक चीज को लोग काउंट करते हैं कि उनका जो जो लेवल ऑफ लिविंग है वो कैसा है वो कंपेयर करते हैं दुनिया के साथ अपने इर्द गिर्द के साथ तो जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ती जा रही है ये तमाम मैार को मेंटेन करना ना सिर्फ खुद लोगों के लिए बल्कि हुकूमतों के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज में कन्वर्ट हो रही है ये सूरत सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ गिवन ईयर ड्यू टू नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ द बेस पॉपुलेशन दुनिया में जहाँ जहाँ लोगों का नंबर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम कुछ जगहें हमारे सामने ऐसी भी आती हैं जहाँ लोगों का पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है हमारे सामने मिसाल है जापान की जहाँ पर लोग जितनी तादाद में होने चाहिए उतने तादाद में लोग वहाँ मैसर नहीं हैं जो लोग हैं उनकी एज अब इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी एज के आखिरी हिस्से में जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में उनकी पॉपुलेशन है तो अब वो लोग जो पहले प्रोडक्टिव थे अब वो स्टेट पर निज़ाम पर अब वो डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उस मुल्क के लिए वो एक मसले की शक्ल इख्तियार की जा रही है हो रही है कि वहाँ अब यूथ का नंबर कम है एनर्जी कम हो रही है पापोलेशन के अंदर ऐसे ही हमारे सामने मिसाल है कनाडा की है न्यूजीलैंड है ये वो मुल्क हैं जिनके यहाँ लोगों का नंबर कम है उनकी लैंड ज़्यादा है तो वो बाहर से लोगों को लाकर सेटल करना चाहते हैं ताकि उनकी लैंड की यूटिलाइजेशन हो तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ ज़्यादा तादाद में लोगों का होना प्रॉब्लमेटिक है वहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कम तादाद में लोगों का होना वो उन मुल्कों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वहाँ पे इसी तरीके से आ, एक बहुत इम्पॉटेंट स्टडी है द पॉपुलेशन के कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के कॉन्टेक्ट में जहाँ बाकायदा तौर पर जो ऑथर है उन्होंने इस फिलासफ़ी पर काम किया दैट वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इकनॉमिक डवेलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ती है क्या उतनी ही तेज़ी से वहाँ पर फ़ूड प्रोडक्शन पर काम हो रहा है फिर क्या उतनी ही तेज़ी से वहाँ पर अगर लोगों के लिए फ़ूड की प्लानिंग नहीं हो रही लोगों को ख़ुराक मुहैया करने के लिए प्रॉपर काम नहीं हो रहा तो वहाँ ज़्यादा आबादी जो है वो कहत में वहाँ पर कहत आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि अगर लोगों को मुनासिब ख़ुराक नहीं मिलेगी तो फिर लोग जो हैं बुनियादी ज़रूरत है ख़ुराक उसके पूरा ना होने से कहत साली की तरफ भी जा सकते हैं फिर इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम ज़्यादा आबादी के मसले को समझ सकते हैं एक बुनियादी नुक्ता यही है कि बर्थ रेट क्या है फिर दूसरी बात यह है कि डेथ रेट क्या है फिर उसके साथ साथ ये है कि क्या वहाँ माइग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है या मुल्कों के अंदर माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है या मुल्क एक मुल्क से दूसरी तरफ माइग्रेशन का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है अब इन सारे डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो बैलेंस रखना है ये इंतहाई अहम है क्योंकि अगर तो बैलेंस होगा अगर तो बर्थ के दरमियान डेथ के दरमियान माइग्रेशन के दरमियान एक बाकायदा एक कॉन्टीन्यूस लिंक है हकूमतों के अंडर कंट्रोल है ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर अगर आबादी बढ़ भी रही हो तो वो प्रब्लमेटिक नहीं होगी लेकिन अगर इनके दरमियान तनासुब नहीं है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है डेथ जो है वो कंट्रोल्ड है, ये नहीं कह कहने का मतलब कि डेथ जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन अगर किसी वजह से डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है यानी एक तरफ अगर आबादी ज़्यादा बढ़ रही है और आबादी को सहूलत मैसर नहीं है और डेथ रेट भी हाई है तो इसका मतलब है फिर मुल्कों को अपनी पॉलिसी जो है वो रिवाइज करनी चाहिए लेकिन टू मैनी पीपल इन एवरी केस दैट दे आर क्रिएटिंग चैलेंजेस नॉट ओनली फॉर देयर गवर्नमेंट बट आर बट एज वेल एज फॉर देयर सिस्टम्स टू एंड स्पेसिफिकली फॉर द एट द ग्लोबल लेवल फॉर द क्लाइमेट परपज क्लाइमेट कंसर्नस टू मैनी पीपल आर क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर द एनवायरमेंटल सिचुएशन ऑफ द अर्थ Definitely they are creating.